पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके चलते हैं और आज हम देखेंगे सबसे पहले कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। सो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि इट्स अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड इक्वल्स वन। इसका मैग्नीट्यूड और इसकी मिकदार हमेशा एक होगी। इट्स अ यूनिट वेक्टर, इसकी मिकदार हमेशा वन होगी, ठीक है। और ये करता क्या है, इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर बताता है, ठीक है। और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ कैप और हैट, ये चीज राइट। लेट्स से हमारे पास कोई भी यूनिट वेक्टर, कोई भी वेक्टर ए है। सो वेक्टर ए को जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब किया कि एक इसको एक मैग्नीट्यूड चाहिए अपना और एक डायरेक्शन चाहिए जो इसका यूनिट वेक्टर देगा। सो ये जो टर्म है ये मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब करती है और ये ए यूनिट वेक्टर, ए कैप, ये ए का यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो ए यूनिट वेक्टर बिकम्स इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो ये इक्वेशन है जो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बता देती है। इस इक्वेशन से आप देखें कि ए वेक्टर जो है, ए यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो ए वेक्टर की है, ठीक है। और ए वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, जिसका मतलब है कि ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है, ठीक है। सो एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम एग्जांपल देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही, एक्स वाई जी। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी डायरेक्शन हो तो उसको हम आई हैट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। इसी तरह वाई एक्सिस से के अलोंग कोई भी डायरेक्शन हो तो उसको हम जे हैट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी एक्सिस के अलोंग कोई सी भी डायरेक्शन हो तो उसको हम के हैट से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेक्टर है ए, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे कि वेक्टर ए, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, विच वुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस जी कोऑर्डिनेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये है मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। और ए यूनिट वेक्टर हमारे पास इस फार्मूले से हमेशा आएगा। इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स से मेरे पास, मैं ए को डिफाइन करूं ऐसे 5i प्लस 3j, ठीक है। इसको हम इनफैक्ट यहां प्लॉट भी कर लेते हैं। लेट्स से x y, सो ये है पॉइंट 5 3 और ये है वेक्टर ए 5i प्लस 3j, ठीक है। सो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले फॉर्मूले में देखा वेक्टर ए 5i प्लस 3j ओवर इसका मैग्नीट्यूड 5 स्क्वायर्ड प्लस 3 स्क्वायर्ड स्क्वायर रूट, ठीक है, विच बिकम्स इक्वल टू 5 स्क्वायर्ड इज 25, 3 स्क्वायर्ड इज 9, सो 5i अपॉन अंडर रूट 34 प्लस 3j डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 34, ये है यूनिट वेक्टर ऑफ ए। इनको मैंने सेपरेट कर दिया। अब एक क्विक चेक करते हैं कि इस यूनिट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका वही, दोनों कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट 34 स्क्वायर और टोटल स्क्वायर रूट, ठीक है। ये बनता है 25 अपॉन 34 प्लस 9 अपॉन 34, विच इज 25 प्लस 9 इज 34, विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये यूनिट वेक्टर है हमारे पास जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और इट्स इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए। ए का यूनिट वेक्टर है, सो इसकी डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास
एक यूनिट वेक्टर होता है n जो किसी भी सरफेस का नॉर्मल है. फॉर एग्जांपल ये अगर मेरे पास सरफेस है तो इसका परपेंडिकुलर n हैट, और ये मेरे पास एक प्लेन है, सरफेस है, तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर n हैट. वेक्टर की अगली टाइप जो हम देखेंगे वो है नल वेक्टर्स. और जैसा कि नाम से जाहिर है, नल वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो, नल, ठीक है, इनकी मिकदार ज़ीरो है. और जिस वेक्टर की का मैग्नीट्यूड ही कोई नहीं है उसकी कोई सी भी डायरेक्शन है, ठीक है, आर्बिट्रेरी हम इसको कहते हैं, अनस्पेसिफाइड डायरेक्शन है इसकी नल वेक्टर की हमेशा. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ. एक वेक्टर ए है, इसमें आप ऐड करते हैं इसी का नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, ये ए है और ये माइनस ए है. सो जब ए और माइनस ए को आप ऐड करेंगे आपस में तो ये दूसरे को इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, यानी ए प्लस माइनस ए इज ए माइनस ए और ए माइनस ए इज ज़ीरो वेक्टर. ये ज़ीरो वेक्टर वो वेक्टर है, नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है और इसी कोई सी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में आई, ठीक है. फिर हम देखते हैं कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं. ये भी बहुत आसान है. इक्वल से जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जिनकी सेम डायरेक्शन है और जिनका सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है. ए और बी की डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही सेम में पॉइंट कर रहे हैं, और ए और बी की लेंथ, ये चीज़, इनकी लेंथ भी सेम है. सो हम कहते हैं कि ए और बी इक्वल वेक्टर्स हैं और ए इक्वल्स बी, ठीक है. दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होना ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं. लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर ये है और हमारे पास एक वेक्टर ये है और इन दोनों की लेंथ सेम है, लेंथ और इनकी डायरेक्शन, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है. सो पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं अगर उनकी लेंथ हम सेम कर दें तो वो इक्वल वेक्टर्स बन जाते हैं. अब हम देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है. पोजीशन वेक्टर को हमने थोड़ा सा अपने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्क्राइब किया था. पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो किसी भी पॉइंट की या किसी भी पार्टिकल की लोकेशन बताता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन एक्स माइनस एक्स, वाई और माइनस वाई. इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस प्लेन में कहीं भी कोई पॉइंट लाई करता हो तो उसकी पोजीशन पोजीशन वेक्टर बताता है. फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास ये पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और इस पॉइंट की तरफ पॉइंट करता है. यहाँ से स्टार्ट होकर इसका एरो इस पॉइंट के ऊपर जाता है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है. पोजीशन वेक्टर को नॉर्मली हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं. सो पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट करके किसी भी पॉइंट की या किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताता है. फॉर एग्जांपल ये पॉइंट था हमारे पास ए, ए बी, और ए बी क्या है, ए जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए है, ऑफ कैपिटल ए, और बी जो है वाई कोऑर्डिनेट है, यानी ए इज ए यूनिट्स लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड बी यूनिट्स लॉन्ग वाई एक्सिस. इनफैक्ट ये इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पे शेडो है जिसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं, साया इसका, और ये इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस है, ए और बी, ठीक है. सो पोजिशन वैक्टर पॉइंट ए की पोजिशन डिस्क्राइब करता है जहाँ ए और बी इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं. सो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि आर इक्वल्स ए आई हैट प्लस बी जे हैट, क्योंकि आई हैट जो है वो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर है और जे हैट जो है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है. इसी तरह अगर हमें किसी भी वेक्टर को थ्री डायमेंशनल स्पेस में डिस्क्राइब करना हो, जैसे हमारे पास एक्स वाई जी होता है, तो फिर कोई सा भी जनरल वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा,
AI plus BJ plus CK. यहाँ I x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, J y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है और K z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है. फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट जो यहाँ कहीं लाई करता है और जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से 4, 3, 2, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 4i हैट 4 यूनिट्स ऑन x एक्सिस प्लस 3j हैट 3 यूनिट्स ऑन y एक्सिस प्लस 2k हैट 2 यूनिट्स ऑन z एक्सिस. ये इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और ये इसका z प्लेन में डिस्टेंस.